अच्छा तो 12 को हम एक दूसरी वर्कशॉप यहाँ पे करने जा रहे हैं जो मार्केट में एक बहुत जायंट चीज आ गई है और प्रेस फ्लडेड है इसकी न्यूज से, वो है चैट जीपीटी। सब लोगों ने नाम सुना है। अच्छा, तो चैट जीपीटी की हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। सैलानी अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला इदारा पाकिस्तान का बनने जा रहा है जो चैट जीपीटी पे डिटेल्ड कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले 15 से 20 दिनों के अंदर। अच्छा, तो उससे मुताल्लिक वर्कशॉप है। वर्कशॉप तमाम लोगों के लिए फ्री है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आप दोबारा आ सकते हैं, और जो लोग यहाँ वीडियो पे देख रहे हैं वो भी लोग जो सैलानी से मुंसलिक नहीं है वो भी आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। बस उसका फॉर्म होगा वो फेसबुक पे वो आ जाएगा, सैलानी के पेज पे वो फॉर्म जस्ट आपको फिल करना होगा और फिर आप आ सकते हैं। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है तो वो फॉर्म जैसे ही सीट पूरी होंगी वो फॉर्म भर कर देंगे, तो वो जल्दी से जैसी आए ना आपने वो फॉर्म भर देना है। अच्छा, तो दो चार मैं बातें बता दूं कि वो, क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं है, आप लोग सब थक गए होंगे अभी इतनी देर से बैठे ना। अच्छा, तो चैट जीपीटी वैसे तो आप सब लोगों को पता है, सब प्रेस उस पर लगा हुआ है। अच्छा, मगर अभी क्योंकि फ्रीलांसिंग की बात हुई है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक आपके पास जॉब आई है ना, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट लिख के दी, 50 लाइन की रिक्वायरमेंट लिख के दे दी। अब वो आप पढ़ेंगे, अब आपको उसका जवाब तैयार करना है प्रपोजल। अच्छा, अच्छी इंग्लिश में भी होना चाहिए। अच्छा, तो चैट जीपीटी को आप क्या बोलेंगे जाके? ये सारी वर्कशॉप में डिटेल में डिस्कस होंगी ये बातें कि कैसे चैट जीपीटी से आप अपना काम जो एक घंटे में होता था वो 5 मिनट में हो जाएगा, तेज हो जाएगा काम। अच्छा, लोग तो वैसे कह रहे हैं जॉबें खत्म है, जॉबें हो गई तो कुछ खत्म नहीं होंगी, बकवास की बात है। मगर जो काम में आपको एक घंटा लगता था अब वो 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्सनल AI आ गया है। जो गूगल के पास इतना बड़ा कंप्यूटर था ना वो आपकी जेब में आ गया चैट जीपीटी की वजह से। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, आपने प्रपोजल लिखा, अब उसको आप अंग्रेजी तो जाहिर है मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, मदर टंग तो नहीं है ना हमारी, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। अच्छा, तो आप वो पूरा प्रपोजल देंगे चैट जीपीटी को और आप नीचे लिखेंगे कि कन्वर्ट दिस प्रपोजल इनटू फॉर्मल इंग्लिश या ऐसी कोई बात कि अच्छी इंग्लिश, वो आपको फॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट करके। अच्छा, क्योंकि मैं भी फ्रीलांसर हूं, मैं तो यही कर रहा हूं भाई। नहीं, वो फॉर्मल इंग्लिश में आप हैरान हो जाएंगे जो उसके रिजल्ट्स हैं। आप उसको बोलेंगे कि ये मेरा प्रपोजल है, ये मैंने लिखा है, इसको कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्मल प्रपोजल, फॉर्मल इंग्लिश। लेकिन वो मसला नहीं है। अच्छा, तो वो कभी कभी डाउन होता है, इंशाल्लाह वो अभी बढ़ा देंगे अपना कंप्यूटिंग पावर AWS पर सारा किया हुआ है, तो वो मसला खत्म हो जाएगा। ये टेम्पररी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेस आ गई ना, बहुत ज्यादा फ्लडेड हो गई है। अच्छा, तो ये छोटी सी मैंने बात की कि फॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी। अच्छा, और अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपके पास एक जॉब पोस्ट आई, आपने वो पूरी जॉब पोस्ट कॉपी की, चैट जीपीटी को दिया, आपने कहा यार ये आई हैव रिसीव्ड दिस इनवाइट ऑन अपवर्क या आई हैव रिसीव्ड दिस जॉब ऑन अपवर्क, प्लीज राइट डाउन रिप्लाई, वो आपको प्रपोजल लिख के दे देगा। सही है। अच्छा, अगर आपने साथ में ये भी लिख दिया ना कि आई एम अ वेब डेवलपर विद 10 ईयर एक्सपीरियंस एंड रिप्लाई ऑन माय ग्राफ, तो वो उसमें वो बात भी मेंशन करेगा कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा इस चीज में और इस चीज में। अच्छा, लेकिन एक एहतियातन बात बता रहा हूँ, क्योंकि AI है वो, उसके समझदार नहीं होते AI ना, AI असल में वो आर्टिफिशियल समझ होती है, तो वो इतना इंसानों जितना समझदार नहीं होगा। अच्छा, उसको आपके बारे में इतना पता भी नहीं है, तो वो बहुत कुछ बहुत लंबी भी फेंक देता है, तो वो प्रपोजल एज इट इज उठा के भेजने से पहले एक दफा पढ़ लेना, क्योंकि ऐसी बात ना लिख देना बिल्कुल ही ऊपर की है, फिर साथ में से क्लाइंट बोलेगा यार आपने तो प्रपोजल में ये लिखा था, आपको तो आता ही नहीं है, बेइज्जती ना हो ना। तो वो अगर चैट जीपीटी से लिखवाया है तो एक बार आपको खुद भी पढ़ना है। अच्छा, और छोटी मोटी मिसाल, ये मैं छोटी मोटी मिसाल दे रहा हूँ, इसमें डिटेल गुफ्तगु नेक्स्ट से नेक्स्ट संडे 12th को होगी। 12th क्या मार्च पड़ेगा? 12 मार्च। अच्छा, और एक छोटी सी मिसाल के कॉन्टेंट राइटर, जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल बड़ी मेहनत से लिखना होता है। अच्छा, उसकी भी अंग्रेजी सही करने वाला जो चक्कर है, आप देंगे उसकी अंग्रेजी ऐसी बेहतरीन कर देगा वो, आप लिखेंगे करेक्ट ऑल ग्रामर मिस्टेक्स और पूरा आप आर्टिकल उसको पेस्ट कर देंगे, वो सारी ग्रामर की मिस्टेक्स भी बताएगा और नीचे एक्सप्लेन भी करेगा कि यहाँ यहाँ पे मिस्टेक्स थी और ये मिस्टेक थी, इसको मैंने ऐसे करेक्ट कर दिया, इसको रिप्लेस करके ये लगा दिया। अच्छा, बल्कि अब तो पूरे पूरे आर्टिकल भी लिखवा रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन पूरे आर्टिकल लिखवाना की जो बात है वही कि AI समझ तो नहीं है, आर्टिफिशियल समझ है, तो वो ऐसा कभी कभी वाहियात लिखता है और लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं धड़ाधड़,
तो वो इंटरनेट पे कचरा फैला रहे थे, कचरा नहीं फैलाना है। अच्छा, तो हम उस वर्कशॉप में जो कल की नेक्स्ट संडे जो 12th को वर्कशॉप होगी, उसमें असल में हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको बिहाइंड द सीन जब पता चलेगा ना कि टेक्नोलॉजी है क्या, तो यू विल बी एबल टू डिजाइन बेटर प्रॉम्प्ट, कि उससे कैसे करके पूछेंगे और क्या पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि कोर्स जो उसके बाद होगा उसमें क्या होगा, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कोर्स क्या होगा। यार ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, मैंने बता दिया, अब बचा गया पीछे। तो भाई ये जो बना हुआ है ना चैट, ये तो उन्होंने बना के दिया है लेमैन के लिए, मगर ये चैट जीपीटी की एपीआईज नहीं है, ये पूरी एक टेक्नोलॉजी, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, जैसे एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, जैसे एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, जैसे ज़ैम्प एक फ्रेमवर्क है, इस तरह ये एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर बाकायदा एप्स बनी थी। अच्छा, अगर कोई मुझे आप में से जानता है यहाँ पे, तो मैं चैटबॉट का, मेरी एक्सपर्टीज करंटली चैटबॉट है, तो 10 साल से कर रहा हूँ मैं भी फ्रीलांसिंग की, कभी किसी सेट की नौकरी नहीं की। तो शुरू तो किया था वेब डेवलपमेंट से, फुल स्टैक, ये उस वक्त एंगुलर चलती थी और एक्सप्रेस वगैरह MongoDB। अच्छा, फिर 2016 से मैंने ये चैटबॉट पे मूव हो गया था, AI का जब हाइप आया मैंने कहा AI सब कुछ। अच्छा, और वो आप मेरी वो पुरानी बात सुनेंगे कि मैं क्यों मूव हुआ था, वो एक कहानी है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में बताऊंगा मैं कि मैं मुझे क्यों लगा कि यार ये इस तरफ जाना चाहिए। अच्छा, तो मैं 2016 से चैटबॉट पे डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ, और कोर्सेज हम 2 बैचेस सैलानी में चैटबॉट के हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी जो अब जो कोर्स लॉन्च होगा उसमें चैट जीपीटी को शामिल किया जाएगा, और चैट जीपीटी की APIs को इस्तेमाल करते हुए कैसे एप्लीकेशन बनाई जाएंगी ऑन द टॉप ऑफ चैट जीपीटी। एक तो सिर्फ चैट कर रहे हैं ना, वो मसले का हल नहीं है। अच्छा, तो उसके ऊपर एप्स कैसे बनेंगे। अच्छा, इससे पहले जो था फ्रेमवर्क उसका भी नाम बता दूं आपको मैं, डायलोफ्लो, रासा, अलेक्सा स्क्रिप्ट, ये मेन फ्रेमवर्क्स थे, और गूगल असिस्टेंट भी साथ में आप लगा लें उसको। अच्छा, सीरी ने तो अलाउ नहीं किया अभी तक ऐप बनाना, तो ये सारे। अच्छा, ये मोबाइल तो मेरा वहां लगा रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, मगर आपके पास, सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, आप होम का बटन दबाएंगे और आप बात करेंगे। अगर आईफोन है तो सीरी से बात करेंगे, अगर गूगल है तो गूगल असिस्टेंट से बात करेंगे। अच्छा, तो उसकी एप्स कहलाती हैं चैटबॉट। तो चैटबॉट का डेडिकेटेड कोर्स 2 बैचेस पढ़ा चुका है सरानी, और तीसरा बैच लॉन्च होगा जो इस वर्कशॉप के फौरन बाद अनाउंस होगा एडमिशन। तो वो अवेयरनेस वाला वर्कशॉप है, तो आप सब लोग ज्वाइन करें उसमें। आप अगर फ्रीलांसर हैं, आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से, जैसा कि आप फ्रीलांसर हैं सब लोग ज्यादातर यहाँ पे, जैसे सवाल आप लोग कर रहे थे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो कि सब लोग फ्रीलांसर हैं, तो आपके लिए ये टेक्नोलॉजी एड ऑन होगा आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स के अंदर, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो काम 1 घंटे में होगा, तो वो 5 मिनट में, 10 मिनट में होगा, तो यार ये तो फिर डबल पैसा बनेगा ना। आप जहाँ एक जॉब पकड़ते थे फ्रीलांस पे, आप 10 पकड़ सकते हैं अकेले वो भी। अच्छा, और स्केल अप, इतना ज्यादा स्केल अप हो जाएगा, अगर मिसाल के तौर पे आप इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को इक्विप नहीं करते हैं राइट नाउ, तो क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटर तो करेगा ना, तो आप कहाँ रह जाएंगे, फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सैलानी पाकिस्तान में ये पहला अदारा है जो ये काम कर रहा है। अच्छा, और भी कुछ लोग सिखा रहे हैं, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं सिखा रहे, ऐप बनाने नहीं सिखा रहे। एक तो मुझे देखने को मिली थी फेसबुक पे, एक रेहान भाई हमारे हैं, वो दोस्त हैं, वो भी करा रहे हैं, मगर वो जस्ट वो चैट करना सिखा रहा है, वो ऐप बनाना नहीं सिखा रहा। अच्छा, तो दिल लगा के पढ़ाई करनी है, अच्छे से नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को इक्विप करना है, और पाकिस्तान का नाम और इस्लाम का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया का। अच्छा, इख्तिताम करता हूँ मैं अल्लामा इकबाल के शेर से, दुआ है बल्कि अल्लामा इकबाल की, आपके लिए दुआ है कि फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया मेरी, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो ये शुरू वाला मिसरा मैं भूल गया इसका, तो वो के हाँ कह रहे हैं कि जवानों को मेरी आहे सहर दे। आहे सहर कहते हैं कि सुबह सुबह उठता है ना बंदा, तो पहला जो आह एक दुख होता है, जो सबसे पहली बात जो आती है ना जहन में, उसको कहते हैं आहे सहर। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि इन जवानों को ना मेरी जो आहे सहर है वो इनमें भी ट्रांसफर हो जाए, अल्लाह से दुआ करो। और उसके बाद क्या हो, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल ऊपर दे। शाहीन का बच्चा जब होता है ना, पैदा जब होता है, मुरली का भी वैसा, उसके पर वर नहीं होते, बिल्कुल प्लेन होता है, फिर उसके बाल निकलते हैं थोड़े थोड़े, फिर वो पर बनते हैं, और फिर वो इतना बड़ा शाहीन बन जाता है, और वो हजारों फीट की बुलंदी पर परवास करता है। वो कहता है कि पहले तो आहे सहर दे दे, अल्लाह से कितनी प्यारी दुआ करते हैं, और फिर कह रहे हैं इनको बालों पर भी दे, इनकी उड़ान बहुत ऊंची है, और खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। बसीरत कहते हैं देखने को, नूरे बसीरत, कि मेरी आंखों में जो रोशनी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं,
ये बच्चे भी देख पाए सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.